क्या चक्कर है? ये लाल बिंदु बार बार मूव क्यों कर रहा है? ये लाल बिंदु कहां गायब हो गया? ये जो भी है मेरी तरफ ही आ रहा है। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। मैडम, मेरे दोस्त की मदद कीजिए, उसकी जान खतरे में है। जान खतरे में? क्या हुआ आपके दोस्त को? मैडम, शशांक कल रात से गायब है, उसका कुछ भी अता पता नहीं है। आपने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई? उससे कुछ नहीं होने वाला है मैडम, उसका कोई फायदा नहीं। मुझे पता है उसको कुछ हो गया है। कल रात को वो मुंबई के किसी सुंदर नगर इलाके में फॉक्स हंटिंग के लिए गया था। क्या मुंबई में लोमड़ियों का शिकार? सुनो, अगर तुम सीआईडी के साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। 2 मिनट लगेगा तुम्हारा लोकेशन ट्रैक करने में और गिरफ्तार करने में। मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, सचमुच में उसकी जान को खतरा है। आप प्लीज जाइए, उसको ढूंढिए। नाम पूछिए उसका। आप बोल कौन रहे हैं? सर, मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव, ये फॉक्स हंटिंग ये क्या है? सर, मैं आपको वो सब डिटेल में बताऊंगा, पर इससे पहले कुछ हो ना जाए आप प्लीज सुंदर नगर जाइए, उसको ढूंढिए। राजीव सुनो, राजीव, हेलो, सर सर सर, 1 मिनट, वो गाड़ी पीछे बिल्डिंग में है सर। तो शशांक की गाड़ी का नंबर तो यही है। अगर ये शशांक की गाड़ी है तो फिर शशांक भी यहीं पर होना चाहिए। He's dead, sir. तो राजू का डर सही निकला। उसे पता था कि शशांक की जान को खतरा है। इसका मतलब राजू जानता होगा कि कौन शशांक की जान के पीछे पड़ा है। बोलिए, तो राजू को फोन करो। सर, दो गोलियों के शेल, 0.38 कैलिबर। सर, सर ये राजीव फोन नहीं उठा रहा है। सर, कहीं इस राजीव की जान को भी खतरा तो नहीं है? सर एक बात समझ में नहीं आ रही सर, शहर के इस इलाके में कोई लोमड़ियों का शिकार करने क्यों आएगा? शिकारी खुद शिकार हो गया, मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी लोमड़ी नजर नहीं आ रही है। रेडी पंकज, चुप रहो। ये फॉक्स हंटिंग सीक्रेट कोड है और इसका राज सिर्फ राजीव ही बता सकता है। राजीव के घर जाके पता लगाना पड़ेगा। सर राजीव है सर,
इसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए हमें फोन किया था और किसी ने इसी को मार दिया। और सर मारा भी शायद उसी गन से। ये देखिए 0.380 की बुलेट शेल्स, ठीक वैसे ही जैसे शशांक की बॉडी के पास में। ये कोई आपसे दुश्मनी का केस लगता है, किसी की राजीव और शशांक से कोई गहरी दुश्मनी होगी। खूनी तक पहुंचने के लिए सुराग हमें इस घर से ही मिलेगा। सर यहाँ तो बहुत सारे पजल की बुक्स और गेम्स हैं। सर डेस्कटॉप पे भी बहुत सारे पजल गेम्स हैं। लगता है इस राजीव को पहेलियां सुलझाने का बहुत शौक था। ये देखो उसके इस लैपटॉप पे ये पजल गेम का वेबसाइट खुला हुआ है। लेकिन सर इस पजल वाली वेबसाइट में है क्या? पूर्वी लगता है ये वेबसाइट एक ग्रुप की तरह है, ये पजल प्रेमियों का ग्रुप। इस वेबसाइट पे जितने भी मेंबर्स हैं ये सब पहेलियों के शौकीन हैं। ये देखो यहाँ पे ये पहेलियों के पिक्चर्स डाल रखे हैं और यहाँ पे ये अलग अलग तरह के पहेलियों के खेल के बारे में बात हो रही है। ये क्या, ये शशांक भी इस वेबसाइट का मेंबर था? अरे हाँ सर, लेकिन ज्यादा पुराना मेंबर नहीं था, इसने पिछले महीने ही वेबसाइट ज्वाइन की। सर इसका मतलब वो फॉक्स हंटिंग भी एक पहेली है जिसे सुलझा के ही हमें वो खूनी मिलेगा। हाँ पंकज, अब लगता है कि फॉक्स हंटिंग की अगली कड़ी हमें इस शशांक के घर पे ही मिलेगी। ताला लगा हुआ है दरवाजे पे, लगता है शशांक यहाँ अकेला ही रहता है। कमाल है, आज तो शशांक के यहाँ बहुत मेहमान आ रहे हैं। नमस्ते जी। कौन? विकास तुम हो क्या? मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, मैं इंस्पेक्टर दया CID से। CID वाले दया? अरे तुम्हारा तो बहुत नाम सुना है, बहुत कहानियां सुनी है तुम्हारी, शाबाश, ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहो। थैंक यू। हम लोग यहाँ शशांक जी से मिलने आए थे। शशांक? हाँ। क्या हुआ शशांक? नहीं, कुछ हुआ नहीं उसे। कोई और भी आया था शशांक के घर पे? हाँ 20-25 मिनट पहले कोई आया तो था। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, ये सब देखकर तो लगता है कि शशांक एक इंजीनियर था, किसी खास तरह के गैजेट के आविष्कार की कोशिश में लगा था ये। हाँ सर, यहाँ पर तो इतने सारे सर्किट बोर्ड्स और ये शॉर्ट वेव रेडियो भी है, ये देखिए। इस जगह पे सामान सब जिस तरह से बिखरा हुआ है, ऐसा लगता है कि यहाँ हमसे पहले कोई आया था इस कमरे की तलाशी के लिए। लगता है वो किसी खास चीज की तलाशी के लिए आया था। सर कहीं वो आदमी तो नहीं जिसके बारे में वो बता रहे थे कि हमसे पहले आया था? सर कहीं इस घर की चाबी तो नहीं है उसके पास? हो सकता है खूनी के पास शशांक के घर की चाबी हो सकती है, मुमकिन है। पर अहम सवाल ये है कि वो यहाँ ढूंढने क्या आया था और जो चीज वो ढूंढने के लिए आया था वो उसे मिला है या नहीं। लेकिन सर यहाँ पर तो इतना सारा सामान है, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सामान गायब हुआ भी है या नहीं? पूरे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि राजीव और शशांक की दोस्ती कितनी गहरी थी और ऐसे किस चीज में ये लोग फंसे थे जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। सर राजीव और शशांक की तो मौत हो चुकी, हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी?
पता चलेगा, पजल वाली वेबसाइट के बाकी के मेंबर से पता चलेगा। मतलब कभी तुम लोग, तुम रोनी, आशीष और प्रकाश, शशांक और राजीव के साथ वेबसाइट पर रेगुलरली बातें करते थे? जी सिम सर। क्या तुम लोगों को किसी पर शक है कि उसने इन दोनों का खून किया? मालूम नहीं सर। अच्छा ये तो मालूम होगा, ये फॉक्स हंटिंग क्या है? सर आपको फॉक्स हंटिंग के बारे में कैसे पता? जाहिर सी बात है, ये लोमड़ी का शिकार तो हो नहीं सकता। असली बात क्या है ये बताओ। सर मतलब समझाना इतना आसान नहीं है, ये एक लंबी कहानी है। शुरू करो कहानी। सर कुछ एक महीने पहले ही शशांक हमारी वेबसाइट का मेंबर बना था, पर उसे हमारी तरफ पहेलियों का शौक नहीं था। तो फिर? सर दरअसल उसे अलग अलग तरह के गैजेट्स का शौक था, और वो ये दावा करता था कि हमारे सामने एक ऐसी पहेली रखेगा जिसे हम कभी सुलझा नहीं पाएंगे। अच्छा तो क्या थी वो पहेली? सर उसने खुद का एक शॉर्ट वेव रेडियो बनाया था, और अलग अलग तरह के स्टेशन को चेक करते करते वो एक खास तरह के स्टेशन पर पहुंचा, जिस स्टेशन का नाम था नंबर स्टेशन। नंबर स्टेशन? ये इसका नाम तो कभी सुना नहीं। अच्छा इस पे नए गाने आते हैं कि पुराने गाने आते हैं? अजीब बात तो यही थी सर, उस स्टेशन पर कोई गाने आते ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ नंबर आते थे सर। ये कैसा रेडियो स्टेशन है जहाँ पे सिर्फ नंबर्स आते हैं? सर नंबर भी हर वक्त नहीं आया करते थे, उनके आने का भी खास दिन और खास वक्त हुआ करता था। सर लगता है नंबर्स के बहाने कोई किसी को खास मैसेज दे रहा है, सीक्रेट मैसेज। शशांक ने उनके कई ब्रॉडकास्ट सीजन रिकॉर्ड किए थे, और हम लोगों से कहा था कि हम उन नंबरों के तोड़ निकालें ताकि पता चल सके क्या गुप्त संदेश भेजे जा रहे हैं। तो क्या तोड़ निकाला इन नंबर्स का? नहीं सर, उनका तो सर हम तोड़ नहीं निकाल पाए, मगर राजीव ने कुछ दिन पहले बताया था कि उसे इस वेबसाइट के नंबर्स का राज पता चल गया है। तो क्या राज था उन नंबर्स का? सर वो तो राजीव ने कभी हमें बताया नहीं सर। हाँ पर बाद में राजीव और शशांक इस बारे में अकेले में बात करने लगे थे सर। देखो हम फॉक्स हंटिंग की बात कर रहे थे, वो बताओ। फॉक्स हंटिंग ट्रांसमीटर हंटिंग का ही दूसरा नाम है। ट्रांसमीटर हंटिंग? जब कोई एक खास तकनीक से रेडियो ट्रांसमीटर के लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करता है तो उसे हमारी भाषा में फॉक्स हंटिंग बोलते हैं। मतलब शशांक जरूर इस नंबर स्टेशन की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। और कोई तो था जो नहीं चाहता था कि शशांक वो रेडियो स्टेशन पहुंचे, इसलिए उसने उसे मार दिया। आशीष इन नंबर्स की रिकॉर्डिंग चाहिए हमें, सारी की सारी। तो ये है हमारी सीआईडी टीम, ये इंस्पेक्टर अभिजीत इंस्पेक्टर। सर देश के सबसे जाबाज ऑफिसर्स को कौन नहीं जानता है? ये लोकेश है, लिंग्विस्टिक्स और मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट, भाषा और संख्याओं का इतना ज्ञान है इनके पास जो शायद ही और किसी के पास हो। तो लोकेश जी क्या लगता है आपको, ये मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में कोई नंबर स्टेशन का इस्तेमाल क्यों करेगा संदेश भेजने के लिए? अभिजीत ये नंबर स्टेशन का इस्तेमाल बहुत पुराना है, इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कई देश की सेनाएं ये तकनीक यूज करती थी अपने उन एजेंट्स तक पहुंचने के लिए जो दूसरे देशों में थे। हाँ मानते हैं कि इस वक्त मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, पर मोबाइल इंटरनेट से दिए गए मैसेजेस बहुत आसानी से ट्रेस हो सकते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए तो ये वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला। अब लोकेश पता ये लगाना है कि इन संख्याओं के पीछे असली मैसेज क्या है। श्योर सर। वैसे ये मैसेजेस कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आए थे? 3.22 नैनोहर्ट्ज। सर इस रेडियो स्टेशन से तो कोई नंबर वंबर नहीं आ रहा है। आई एम नॉट सरप्राइज, आई एम श्योर मुजरिम को पता चल गया होगा कि केस अब सीआईडी के हाथ में, इसलिए उसने अपना मैसेज देने का तरीका या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज की होगी। तो नया चैनल ढूंढने में कितना वक्त लगेगा? बहुत मुश्किल है दया, एक नया चैनल ढूंढना मतलब रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है, महीनों या तो सालों भी लग सकता है। नहीं नहीं लोकेश हमारे पास वक्त भी नहीं है उतना, एक काम करते हैं पुराने रिकॉर्डेड मैसेजेस सुनते हैं। लोकेश जी ये मैसेजेस हफ्ते में 4 बार भेजे जाते हैं, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे और थर्सडे को। ये मैसेज सबसे पहले हफ्ते के सोमवार को ब्रॉडकास्ट हुआ था उस नंबर स्टेशन पे।
9, 2, 3, 4, 0, 5. Tell me, ये संदेश चारों दिन एक ही समय पर आए थे कि अलग अलग टाइम पर? नहीं नहीं, एक ही टाइम पे, रात 12 बजे, और फिर हर 2 घंटे बाद इन नंबर्स को रिपीट किया गया था। और इसके अगले हफ्ते के नंबर्स यही थे या दे वर डिफरेंट? नंबर्स तो अलग थे, लेकिन पैटर्न सेम था। मंडे को 13 नंबर्स, ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे को 6 नंबर। इससे साफ जाहिर होता है कि जो मुजरिम है रोज अलग अलग मैसेज भेजते हैं, और ये जो मैसेज ये लोग भेजते हैं वो एक मैसेज 4 हिस्सों में कर भेजते हैं। लोकेश जी, एक मिनट प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर से समझाएंगे? मैं समझाता हूँ, जरा पेपर देना तो। मान लो ये पूरा कागज एक मैसेज है, एक, इसके हम 4 हिस्से करेंगे। अब इस एक कागज के 4 टुकड़े हो गए, 4 हिस्से, मतलब एक मैसेज के 4 हिस्से हो गए, है ना? ये देखो, ये रहा मंडे का, ये रहा ट्यूसडे, वेडनेसडे, और ये थर्सडे। तब ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 4 हिस्से जब एक होते तो एक पूरा मैसेज उनको मिलता था, है ना लोकेश? अभी नंबर्स को देखकर क्या लगता है तुम्हें, क्या मतलब है उसका? सर, ये नंबर्स के पीछे छुपा राज जानने के लिए मुझे 1 टाइम पैड की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टेक्निक वर्ल्ड वॉर 2 में यूज होती थी। उस वक्त हर एक देश अपने स्पाइस को एक 1 टाइम पैड देता था, जिससे वो जो कोड्स हैं उनको डिसाइफर कर सके, जो सूचना है उसका मतलब निकाल सके। इसे कहते हैं 1 टाइम पैड। तो राजीव और शशांक के हाथ भी ये 1 टाइम पैड लग गया होगा, इसीलिए वो एक ऐसी पहेली तक पहुंच गए जो उनके लिए जानलेवा साबित हुई। ठीक है, इस राजीव और शशांक के घर जाके पता लगाना पड़ेगा इस 1 टाइम पैड के बारे में। हेलो अभिजीत सर, यहाँ पर तो कोई कागज नहीं है, आपको कोई कागज मिला? हम लोग शशांक के घर में ही हैं, देख रहे हैं। कौन शशांक, कौन है यहाँ? आप आइए आइए, पहचाना? इंस्पेक्टर दया। अच्छा, सीआईडी वाले दया। आप यहाँ कुछ काम थे? हाँ, वो शशांक मेरी इलेक्ट्रिक केतली लेकर आया था कुछ दिनों के लिए, वही लेने के लिए आया था। पंकज सर, देखो वहां पे कोई इलेक्ट्रिक केटल है क्या? सर, ये इलेक्ट्रिक केटल तो शशांक की है, इंटरनेट से मंगाई है उसने, ये बिल है साथ में। नहीं नहीं, ये इलेक्ट्रिक केतली मेरी ही है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये केटल तो शशांक ने खरीदा था। नहीं नहीं दया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। तुम्हारा ये ऑफिसर या तो झूठ बोल रहा है और या मेरी तरह अंधा हो चुका है। अरे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, मुझे दिखाई देता है और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यहाँ पे बिल्स है, ये इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ये सर्किट बोर्ड, और ये किताबों का बिल। क्या कहा, शशांक ने किताबें खरीदी? एक और झूठ। अरे नो झूठ, ये मेरे हाथ में बिल्स हैं। शशांक किताबें खरीद ही नहीं सकता। एक मिनट, आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया? हाँ, डिसलेक्सिया।
इस बीमारी से पीड़ित लोगों को पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता। किताबें खरीदना तो बहुत दूर की बात है। पंकज वो किताबें कहाँ हैं? सर किताबें तो नहीं है, ये खाली डब्बा है। इसका मतलब है खूनी यहाँ किताबें ढूंढने आया था। तो वो किताबें ही वन टाइम पैड है जिसकी हमें तलाश है। ये कितनी किताबें? चार। चार? चार हफ्ते के लिए चार किताबें। कौन कौन सी बुक्स है? तो ये है वो चार किताबें जो शशांक के लिए ओटीपी का काम कर रही थी। बाय बाय सन, हाई लाइक अ काइट, द ग्रेट साइबर हाइट, स्टोन एज। और इन्हीं किताबों में वो मैसेजेस भी छुपे हैं जो मुजरिम एक दूसरे को भेज रहे थे। सर सोमवार को ये लोग 13 नंबर्स भेजते हैं। यानी इन 13 नंबर्स का मतलब इन किताबों से मालूम पड़ेगा? मालूम पड़ेगा नहीं पूर्वी, मालूम पड़ गया समझ लो। देखो जैसे इंसानों की उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, किसी के भी एक जैसे नहीं होते, वैसे ही हर किताब का अपना एक ISBN नंबर होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। वो दो किताबों का एक जैसा हो ही नहीं सकता। और ISBN नंबर 13 डिजिट का होता है। किताब के पीछे ये बार कोड देख रहे हो, इसके नीचे लिखा हुआ है, इसे किताब का बार कोड भी कह सकते हैं। वैसे ये नंबर दूसरे तीसरे पेज पे भी लिखा रहता है, ISBN नंबर। सर मतलब इन ISBN नंबर्स को इंटरनेट पे सर्च करके मुजरिम को सबसे पहले ये पता लगता है कि किताब कौन सी खरीदनी है। Exactly. और फिर उस किताब के ISBN नंबर से वो लोग अपना सीक्रेट मैसेज ढूंढ लेते हैं। तो जो पहले सोमवार को ISBN नंबर भेजा गया था सर, वो है ये 1942345709352। जरा चेक करो इन चारों किताबों में से ये ISBN नंबर किसका है। सर ये ISBN नंबर बाय बाय सन से मैच होता है। Yes. अरे वाह सर, ये तो बहुत आसान है, इसे तो कोई भी समझ सकता है। Exactly. इसी तरह हफ्ते के बाकी तीन नंबर भी डीकोड किए जा सकते हैं। मतलब मंडे के दिन का तो उनको सीक्रेट मैसेज का पता चल ही गया, लेकिन बाकी तीन दिनों में किताब के पेज नंबर से, लाइन नंबर से और वर्ड नंबर से उन्हें मैसेज पता चल जाता है। सर ये ट्यूसडे को आया मैसेज 923405 92, पेज नंबर 34, लाइन 05, वर्ड मतलब 92 नंबर पेज पे 34 लाइन, पांचवा वर्ड। ठीक उसी तरह से हर हफ्ते एक नई किताब और एक नया संदेश। पहले हफ्ते का क्या मैसेज है? सर इस बाय बाय सन किताब से जो पहले हफ्ते का मैसेज है वो है किडनैप मनी बैग्स जूनियर। किडनैप मनी बैग। सर दूसरे हफ्ते आया था ये किताब का नाम है द ग्रेट साइबर हाइस्ट। इसका मंगलवार को आया था सर रैंसमवेयर। और वेडनेसडे को अटैक। और थर्सडे को आखिरी मैसेज आया था ट्रिंग 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 ट्रिंग। और तीसरे हफ्ते की किताब है सर हाई लाइक अ काइट। हाई लाइक अ काइट। और इसका संदेश है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट जी सर। बीच बीच साउथ साउथ बीच। सर ये जो चौथी किताब है इस हफ्ते की किताब द स्टोन एज, इसका मैसेज है ट्यूजडे के लिए ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट
वेनसडे का है गोज, बस इतना ही है सर, इट्स इनकम्प्लीट। आज गुरुवार है सर, ये अधूरा संदेश आज रात पूरा किया जाएगा। हाँ अभिजीत, अब तक जितना भी मैसेज आया हमारे पास अच्छी तरह से स्टडी करके देखना पड़ेगा ये क्या खिचड़ी पक रही है। सर ये पहला मैसेज, किडनैप मनी बैग जूनियर, ऐसा लगता है ये मैसेज अजिंक्य जी के लिए। अजिंक्य के लिए ही है दया, क्योंकि अजिंक्य सबसे बड़ा फाइनेंसर है फिल्मों का और उसका निकनेम भी मनी बैग है। किडनैप मनी बैग जूनियर, शायद कोई अजिंक्य के बेटे को किडनैप करना चाहता है। जूनियर? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अभिजीत। फिर अगला मैसेज है रैंसमवेयर अटैक ड्रिंक ड्रिंक। यार ये ड्रिंक ड्रिंक तो हमारी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, कहीं ऐसा तो नहीं ये गैंग इस कंपनी पर रैंसमवेयर अटैक करने वाली है। सर ये रैंसमवेयर अटैक मतलब? अरे यार कोई ड्रिंक ड्रिंक कंपनी के डेटा और सर्वर को हैक करना चाहता है और हैक करने के बाद फ्री करवाने के लिए वो लोग ड्रिंक ड्रिंक कंपनी से रैंसम लेंगे। ओ तो इसे कहते हैं रैंसमवेयर अटैक। मगर सर ऐसे कोई न्यूज तो आई नहीं है कि ड्रिंक ड्रिंक कंपनी पे ऐसा कोई साइबर अटैक हुआ हो। सर मेरे पास भी ये ड्रिंक का ही सिम कार्ड है, लेकिन कनेक्टिविटी का तो कोई इशू ही नहीं है। और सर तीसरा मैसेज है कंसाइनमेंट साउथ बीच, ऐसा लगता है कि साउथ बीच में कोई गैर कानूनी कंसाइनमेंट आ चुका है या फिर आने वाला है। ब्लैक फॉरेस्ट गोल्ड, अभिजीत दया इस गैंग का असली गेम क्या है आज रात को 12 बजे से पहले पता लगाना पड़ेगा और रात के 12 बजे जो नंबर ब्रॉडकास्ट होने वाला है उसे ब्रॉडकास्ट होने नहीं देना चाहिए। दया काम करो, इस अजिंक्य के घर जाओ और पता लगाओ उसका बच्चा ठीक है क्या। अभिजीत ड्रिंक ड्रिंक कंपनी में जाकर उन्हें अलर्ट करो, कहो कि उन पर शायद साइबर अटैक होने वाला है, रैंसम अटैक। और पंकज साउथ बीच जाओ और देखो कोई कंसाइनमेंट आया है क्या या फिर कोई कंसाइनमेंट आने वाला है क्या, पूरा पता लगा। सर जा। मैं कहाँ जाऊँ सर? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तीनों यहीं पर रुकेंगे ये पता लगाने के लिए कि इस गैंग को कैसे पता चला कि शशांक और राजीव ने उनके सारे मैसेजेस डीकोड कैसे किए। पर्सनल फाइल्स आर एनक्रिप्टेड, एनक्रिप्टेड। सर क्या चाहिए? सर किसे मिलना है आपको? फिलहाल सबसे सीनियर कौन है इस ऑफिस में? सर सभी सीनियर्स यहीं पे हैं, सीईओ और कंपनी के मालिक भी यहीं पे हैं, बट अभी वो लोग एक अर्जेंट मीटिंग में बिजी है। कहाँ चल रही मीटिंग? देखिए अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। कहाँ चल रही है मीटिंग? सर वो वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम में। खबर नहीं होनी चाहिए इस अटैक की, मीडिया वालों को तो बिल्कुल नहीं, ये तो मार्केट में हमारा नाम खराब हो जाएगा, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? थैंक यू। जिसका डर था वही हुआ, गैंग कामयाब हो गया इस अटैक में। हेलो दया, अब देखते हैं शशांक के बाद और कौन कौन से लोग इस वेबसाइट के मेंबर बने हैं, जो इनमें से कोई एक है जिसने शशांक के बारे में अपनी गैंग को पूरी इंफॉर्मेशन दी है। सर शशांक के साथ दो लोग जुड़े इस वेबसाइट से, कवि और रोनी। कवि और रोनी, इनकी डिटेल है क्या? देखो सर ये कवि थाने में रहता है और इसकी किताबों की एक दुकान है। कवि की किताबों की दुकान है, तो फिर उसके लिए ISBN नंबर, मेरा मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर का इंतजाम करना तो बाया आपका खेल है। और ये रोनी वो क्या करता है? सर रोनी पुणे के कॉल सेंटर में काम करता है। जरूर इन दोनों में से कोई एक है जो शशांक और राजीव की मौत का जिम्मेदार है और वही अपनी गैंग की नई रेडियो फ्रीक्वेंसी भी जानता होगा। सर अगर हमें इस गैंग की नई रेडियो फ्रीक्वेंसी का पता चल जाए तो एक पावरफुल ट्रांसमीटर से हम उनकी लोकेशन भी जान सकते हैं।
लोकेश, रेडियो फ्रीक्वेंसी का बंदोबस्त हो जाएगा, मगर ये पावरफुल ट्रांसमीटर का क्या? सर, मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, मैं उनसे बात करके हमारे लिए एक ट्रांसमीटर बनवा सकता हूँ। ग्रेट, तो फिर बनवा था। पर फ्रेडी, देखो को फोन करके पूछो अजिंक्य के बारे में क्या पता चला है। आप कॉफी लेंगे? नो थैंक्स। वैसे ये आपके घर के बाहर इतनी सिक्योरिटी हमेशा रहती है या आज कुछ खास बात है? हाँ, ये सिक्योरिटी हमेशा रहती है। आप तो जानते ही हैं फैन लोगों को, कितनी बार ये घर के अंदर घुस आते हैं। क्या नहीं, एक्टर्स के घर के बाहर फैन की भीड़ तो सुनी थी मैंने, मगर एक फाइनेंसर पहली बार सुन रहा हूँ। आपने यहाँ आने की वजह नहीं बताई? अरे हाँ, वो मैं आपके बेटे अजीत से मिलने आया। अजीत से? मगर क्यों? क्या उससे कोई गुनाह हो गया है? नहीं, बस एक रूटीन इंक्वायरी। मतलब? सॉरी, मैं वो आपको नहीं बता सकता, मैं अजीत को बताऊंगा। अजीत की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत खराब है या वो किडनैप हो गया? किडनैप? व्हाट नॉनसेंस। देखिए अजिंक्य जी, उन अपराधियों के दबाव में आके आप सीआईडी से झूठ मत बोलिए। हमें खबर मिली है कि एक गैंग है जो आपके बेटे अजीत को किडनैप करना चाहती है। अजीत कहाँ है इस वक्त? वो घर पे ही है, मैं उसे देखना चाहता हूँ अभी। रामो, अब तो तसल्ली हो गई। मैंने आपसे कहा था ना, मेरा बेटा घर पर ही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ बेटा, कमरे में जाके आराम करो। एक मिनट। जरा कैप निकालना। मत उतारना टोपी। क्यों नहीं? हाँ, क्या कहा मैंने? क्या बता रहा हूं? चलो। नहीं सुना, नहीं क्या बोला? तो तुम्हारे कान को क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ क्या ये? आपको इसकी जो किडनैपिंग की खबर मिली है वो बिल्कुल सच है, मगर अफसोस बहुत देर के बाद मिली। इसका किडनैप तो 3 हफ्ते पहले ही हो चुका था। 100 करोड़ रुपए देने पड़े मुझे उस किडनैपर को, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। और उन लोगों ने चोट पहुंचाई इसे? उन्होंने पहले ही इसका एक कान काट कर मुझे भेज दिया था और फोन करके कहा कि अगर मैं पुलिस को कुछ भी बताऊंगा तो मेरे बेटे की जान ले सकते हैं वो लोग। आई एम सो सॉरी, आपके बेटे के साथ जो हुआ वो तो हम बदल नहीं सकते हैं, पर मैं आपसे वादा करता हूँ उन मुजरिमों ने जो किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना। अगर उनको पता चला कि मैंने सीआईडी को सब कुछ बता दिया तो मेरे बेटे की जान भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था। क्या गारंटी है कि ये सब करने के बाद वो किसी और मासूम के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे? में ना चुका है और डीलिंग हो चुकी है, फिर तो कोई सुराग मिलना चाहिए यहां पर। ये निशान कैसे? इन्हें देख के तो लगता है जैसे कि कोई बहुत भारी सामान या डब्बा घसीटा गया, और या और कोई सामान तो यहां पे नहीं दिख रहा, शायद कंसाइनमेंट ही होगा। आपके पास तो काफी अच्छा कलेक्शन है किताबों का मिस्टर कवि। आप लोग यहाँ मुझे बुला लिया होता मैं ब्यूरो आ जाता, हम लोग वीडियो चैट भी कर सकते थे फिर से। लगता है आपको हमारा यहाँ पर आना पसंद नहीं है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या लेंगे आप लोग, चाय या ठंडा? चाय ठंडा तो बाद में ले लेंगे, फिलहाल तो हम लोग किताबें लेने आए हैं, मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलिए कौन सी किताब चाहिए आपको। हमें 4 किताबें चाहिए, बाय बाय सन, द ग्रेट साइबर हाइस्ट, हाई लाइक अ काइट और स्टोन एज। क्या हुआ, किताबों का नाम सुन के नानी याद आ गई? अरे कोई अपने दुकान से इस तरह भागता है भला? मैडम वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं मैडम, वो मुझे मार देंगे। अगर सच नहीं बोलोगे
तो फांसी पे छोड़ोगे शशांक और राजीव के खून के जुर्म। नहीं, मैंने उनका खून नहीं किया, मुझे तो बस उन पर नजर रखने के लिए कहा गया था। किसने कहा था नजर रखने के लिए? कवि, रुक जा। कवि, हाँ, कवि। 6.21 नैनोहर्ट्ज। क्या? लेकिन कवि 6.21 नैनोहर्ट्ज। अब इससे पहले कि इस हफ्ते का आखिरी संदेश वो लोग भेजे और एक जुर्म करें, हमें इस गैंग को रोकना होगा। और सर, जितने भी जुर्म इस गैंग ने किए हैं सब के सब वीकेंड में किए हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हाँ, मतलब गुरुवार के दिन आखिरी संदेश आ जाएगा और फिर फ्राइडे और सैटरडे, शुक्रवार और शनिचार के दिन वो लोग जुर्म कर देंगे। और सर, जुर्म सिर्फ एक तरीके का नहीं है, अलग अलग तरह का, ये किडनैपिंग, साइबर एक्सटॉर्शन। सर फोरेंसिक लैब से आ रहा हूँ, डॉक्टर सालुंके को रेत से कोकेन की ट्रेसेस मिले सर। माय गॉड, देश में ड्रग स्मगलिंग चल रही, न जाने किन किन गुनाहों से जुड़ी हुई है ये गैंग। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें इस गैंग को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। सर, ट्रांसमीटर 6.21 नैनोहर्ट्ज, राइट? 6.21 नैनोहर्ट्ज, तो हम इस गैंग के रेडियो फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकते हैं। अब आएगा मजा, अब हम फॉक्स हंटिंग करेंगे। बस बस सर, यही सिग्नल दिखा रहा है सर, बस ये रेड डॉट मिल जाए। देखो रेड डॉट कहां पे है। सर 12 बज रहे हैं, ये ब्रॉडकास्ट किसी भी वक्त हो सकता है। मैसेज मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, किधर है सर? एक मिनट सर। सर हाँ, एक मिनट सर, इधर है, इधर है सर। गैंग का लोगो, इस गैंग से तो हमारा सामना पहले भी हो चुका है। कौन है तुम्हारा बॉस और कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे धंधे में? इसका जवाब आप मेरे मुंह से कभी सुन नहीं पाओगे एसीपी साहब। इस गैंग में काम करने वाले अपने बॉस का नाम बताने के बजाय आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो गया, लेकिन अगला जुर्म होने से रोकना होगा। वो क्या नंबर है उसका, देखो मैसेज का क्या मतलब है। 92 नंबर पेज 2309, 23 नंबर लाइन। कबूम? कबूम? कबूम क्या होता है सर? कबूम मतलब धमाका। धमाका मतलब कि कोई बम ब्लास्ट होने वाला है। पहले जो शब्द मिले थे हमें मैसेज से वो थे द स्टोन एज, ब्लैक फॉरेस्ट, गोस, और अब कबूम, ब्लैक फॉरेस्ट में धमाका। इसके पहले कि और मासूम लोगों की जाने जाएं, पता लगाना होगा ये धमाका कब और कहां होने वाला है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।